विकसित भारत के विराट लक्ष्य को तेजी और नई दिशा देती राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आज पूरा कर रही है अपनी सफलता के 3 साल। होलिस्टिक डेवलपमेंट को इसने दी है नई पहचान। अब नन्हे मुन्हों के कांधों पर न भारी बस्तों का बोझ है और न ही लंबे चौड़े सिलेबस की घबराहट। आज छात्र अपनी मातृभाषा में सीखते हैं। स्किल्ड युवा अपने हुनर की हुंकार से नए भारत के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में शुरू हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा जगत की काया पलट कर सीखने और सिखाने की परिभाषा ही बदल दी है। कुछ कर गुजरने की भावना से भरे नौजवानों को तैयार करने में बड़ी भूमिका होती है हमारी शिक्षा की, हमारी शिक्षा व्यवस्था की, हमारी शिक्षा परंपरा की। आज देश के पास 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है। अब हमारे बच्चे ना कौशल की कमी के कारण रुकेंगे और ना ही भाषा की सीमा में बंधेगी। कभी दुखी मन से पाठ रटने वाले बच्चों के चेहरे पर हाथ जादुई पिटारे से सीखने की मुस्कान है। निपुण भारत के कमाल के कारण ही तो बच्चे विद्या प्रवेश में खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं। समय की मांग के अनुसार बुनियादी शिक्षा के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया है। पहली बार प्री स्कूल के 3 साल भी एजुकेशन सिस्टम में रेकग्नाइज किए गए हैं। उच्च शिक्षा भी फ्लेक्सिबिलिटी और मल्टीडिसिप्लिनरिटी के नए अवतार में आई है। आईआईटी मद्रास ने बीएस इलेक्ट्रॉनिक में ऑनलाइन कोर्स शुरू कर एम्प्लॉयबिलिटी की नई राह खोली है। संस्कृत और वैदिक शिक्षा के कई कोर्सेज का स्किल सर्टिफिकेशन किया गया है। इंटरनेशनलाइजेशन बढ़ाने के लिए उठाए कदमों की गूंज अब सुनाई पड़ने लगी है। भारत के 2 IITs विदेशों में स्थापित हो रहे हैं। 2 ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज गिफ्ट सिटी में आ रही हैं और कई संस्थानों के साथ जॉइंट, ड्यूअल और ट्विनिंग डिग्री की व्यवस्था स्थापित हो रही है। शिक्षा से वंचित लोगों के लिए उल्लास ने दी है नई आस। स्किल की दुनिया भी अब बन रही है फ्यूचर रेडी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आज युवाओं की रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पर अत्यधिक फोकस किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत अब तक कुल 6,35,00,000 युवाओं की स्किलिंग कर उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पर दिया गया है जोर। न्यू एज स्किलिंग, इंडस्ट्री 4.0 और मल्टी स्किलिंग पर बल दिया जा रहा है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क से शिक्षा और स्किल के सभी स्तरों पर सामंजस्य बना है। दीक्षा, स्वयं, 280 टीवी चैनल्स एवं ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ आदि के जरिए शिक्षा में टेक्नोलॉजी का हो रहा है भरपूर प्रयोग। इंजीनियरिंग, लॉ, स्किलिंग की पुस्तकों का अनुवादनी ऐप द्वारा भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। जेईई, नीट और अन्य परीक्षाएं भारतीय भाषाओं में हो रही हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम को मेन स्ट्रीम शिक्षा में समाहित करने के लिए कई रेगुलेशंस जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने 3 सालों में ही लोकप्रियता के कई कीर्तिमान हासिल कर ज्ञान का उजियारा फैलाया है जो देश के लिए अमृतकाल के पथ को आलोकित करेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे, वंदे, वंदे।